बूम, 2 BHK लाया हूं, बड़े से बड़ा कार्पेट एरिया, 797 का कार्पेट एरिया हॉल। कितना बड़ा हॉल है यहाँ पर, आप आपका सोफा सेट रख सकते हो, सामने लगाओ टीवी यूनिट, और वो जगह पर आप लगाओगे आपका डाइनिंग एरिया। ओके, इसके अंदर एक चीज ये भी हो सकती है, डाइनिंग टेबल आने के बाद अगर आपको मंदिर बनाना है, आपका प्रेयर रूम बनाना है पर्सनल, सो यहाँ पर स्पेस है ना भाई, बनाओ इधर पे। ओके, इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका किचन का एरिया। सो ये है इसका किचन प्लेटफॉर्म, स्पेस जबरदस्त, हाइट इसकी 9 साढ़े 9 फीट के आसपास की है। यह है इसका कॉमन वॉशरूम का एरिया, वुडन फीलिंग है एकदम नेचर वाली। ओके, सो वॉशरूम के बाहर भी स्पेस है, जैसे कि आप आपका यहाँ पे बहुत सारा सामान रख सकते हो। ये क्या है, ये रहेगा आपका मास्टर, नहीं ये है कॉमन बेडरूम, एल शेप की गैलरी के साथ में आपको मिलेगा, टाइटेनिक वाली फीलिंग है इसके अंदर। ये देखो पूरी गैलरी है, यहाँ पे आपको पूरा ये स्पेस मिलेगा। ओके, ये पूरा 15th फ्लोर तक आपको ऐसा ही मिलेगा, एंड ये भी स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। मुझे तो लगा कि भाई मैं टाइटेनिक में आ गया हूँ। एंड ये विंडो ऐसा क्लोज कर लो सेफ्टी के लिए। ओके, सो सेफ्टी फर्स्ट, मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ आपको, ये मास्टर बेडरूम है, और ये होता है किंग साइज बेडरूम, किंग साइज वॉशरूम के साथ में। सो बाथ के लिए आपको अलग स्पेस है, पीछे वॉशरूम के लिए अलग स्पेस है, और यहाँ पर आपका वॉश बेसन है। सो इसके बारे में बता दूँ, 797 का इसका कारपेट एरिया है, और इसकी पोजेशन आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगी। चेंबू स्टेशन से नज़दीक है, स्कूल कॉलेजेस हाईवेज हॉस्पिटल्स पुलिस स्टेशन सब बाजू में है, पूरा ज़बरदस्त एरिया है। ग्रीनरी, लोकेशन के बारे में बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है जो मुंबई में मिलती नहीं है। सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारे झाड़ झाड़ है यहाँ पर। और लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले, शेयर भी करो।